तो हम आ गए हैं टंकी के ऊपर और देखिए ये पहाड़ पीछे से जो पहाड़ दिख रहा है। सो हेलो गाइज़, तो आज मैं अपना पहला ब्लॉग वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। तो मैं आज तिरुपति में आया हुआ था। तिरुपति में ऐसी जगह आया हूँ कि चलो मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ, ब्लॉग वीडियो जो मैं बहुत दिन से बनाने के लिए सोच रहा था लेकिन कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था। तो मैं आज ऐसी जगह पे आया हूँ, तो मैं बता देता हूँ आपको मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ तिरुपति में, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसका पूरा ब्लॉग बनाने वाला हूँ। मैं ब्लॉग वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसा है, अंदर क्या क्या है, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो वही अभी मैं सोचा तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हुए। अभी मोबाइल तो मैंने एक सामने रख दिया ऊपर की जगह पे, लेकिन वो भी थोड़ा तिरछा लगा हुआ है। अभी मैं वैसे ही शूट कर रहा हूँ, अभी मेरा पहला ही वीडियो, तो देखते रहिए कैसा बनता है। इंशाल्लाह सोचता हूँ कि अच्छा ही बनेगा, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो वीडियो अगला वीडियो देखते रहिए। तो ये यूनिवर्सिटी के मेन गेट से पहले एक कमान है जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। तो चलिए हम अंदर चलते हैं अभी। तो अभी हम अंदर आ गए हैं, गेट के अंदर आ गए हैं। तो देखिए हम अभी जा रहे हैं सीधा रास्ते से आगे की ओर, तो देखते रहिए आगे आगे। ये जो आपको सामने दिख रहा है नीला वाला, उस पर लिखा हुआ है संस्कृत में सुजलम, जो पानी को संस्कृत में सुजलम बोला जाता है, तो वो वही से सबको पीने का पानी जाता है आरओ का। तो चलिए हम आगे जा रहे हैं। तो आप सामने देखिए, ये देखिए ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, देखिए कितना अच्छा लोकेशन दिख रहा है। ये देखिए ये यूनिवर्सिटी है, उसके सामने भारत माता की मूर्ति है, देखिए कितना अच्छा है, मस्त कितना अच्छा व्यूज़ दिख रहा है। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ पर जितने भी नेम प्लेट्स है सबके ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, देखिए। और इधर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन, ये रूट है उधर जाने के लिए। उधर भी एक मतलब ये बहुत सारा इतना दूर तक है शायद। और यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है उधर। तो देखिए हम ये सीधा जा रहे हैं। अभी जो सामने बिल्डिंग है वहाँ पर एक पहाड़ दिखता है, वहाँ से तिरुपति का वो पहाड़ दिखाते हैं आपको। चलिए उधर जाते हैं अभी। यही वो पहाड़ है जिसके पीछे वो तिरुपति बालाजी का टेम्पल है, अभी हम आपको पास से भी दिखाएंगे जाके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मूर्ति है, एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया हुआ है, किसी संत की है। यहाँ पर भी एक मूर्ति है, किसी संत की है, क्या है, श्रीमान माधवाचार्य।
अभी चलो टंकी के ऊपर जाने का रास्ता है, और हमारे साथ एक जनाब भी थे, वो बोले चलिए प्रॉब्लम नहीं है ऊपर जाने से। तो ठीक है, मैं ऊपर आ गया था, तो ठीक है अभी ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि ये पहाड़ है वो, और वहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक छोटा सा टेम्पल है उस, और इस पहाड़ के पीछे तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ऊपर से, थोड़ा पहाड़ के ऊपर जो टेम्पल है उसको थोड़ा जूम करके दिखाओ आपको। ओ बस इतना ही जूम हो सकता है, तो अब इतना भी काफ़ी दिख रहा होगा शायद। और ये कॉलेज का कैंपस का एरिया है, और यहाँ पर भी एक टेंपल है, मैं अभी आपको जाने के टाइम में दिखाऊंगा। देखिए आप, ये पूरा जंगल है और इसके अंदर से रास्ते हैं, अभी तो यहाँ से ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यूज़ दिख रहा है। और ये देखिए इमली का पेड़ जो आपको पहले भी बताया था मैंने, और ये एक रास्ता है, और हम लोग अभी यहाँ से आए थे, इस रूट से हम लोग ऊपर आए अभी। तो चलिए अभी इसके ऊपर भी जाने का रास्ता है, तो यहाँ से भी जाके आते हैं, एक बार देखते हैं जाके। तो हम आ गए हैं टंकी के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जंगल है पीछे, और ये पीछे जो बिल्डिंग का काम चल रहा है वो बिल्डिंग है, और देखिए ये पहाड़ है, पीछे से जो पहाड़ दिख रहा है वो पहाड़ है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से पहाड़ दिखाता हूँ, ये देखिए पहाड़। और यहाँ पर भी कुछ बिल्डिंग्स है, यहाँ पर कुछ शायद हॉस्पिटल लग रहा है, एम्बुलेंस खड़ा है वहाँ पर, वह एम्बुलेंस दिख रहा है। तो देखिए टेम्पल कितना अच्छा दिख रहा है। हवा की आवाज़ आ सकती है, देखिए जंगल कितना अच्छा दिख रहा है। और ये बिल्डिंग से, बिल्डिंग का शायद बहुत दिन से काम बंद पड़ा है, शायद बहुत पुराना, मतलब काम भी स्टार्ट हुआ था लेकिन काम स्टार्ट होके भी बहुत पुराना बिल्डिंग लग रहा है। देखिए, और वो टेम्पल है। तो चलिए थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं, ओ काफ़ी जूम हो गया फिर भी। गाइस, तो हम इतना ऊपर आ चुके हैं कि अभी नीचे देखने से भी बहुत डर लग रहा है, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर चलने के लिए रास्ता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पैराफिट वाल वगैरह कुछ भी नहीं है ना, पूरा खुला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता है, बस मुझे अभी डर लग रहा है तो मैं पीछे जाता हूँ। हेलो, तो इस सीढ़ी से हम अभी नीचे आ गए, नीचे आ गए मतलब आधे दूर तक आ गए। तो देखिए हम इस सीढ़ी से यहाँ तक आ गए, अभी फिर हमें कितना नीचे जाना है। तो ये देखिए, इस टेंपल के बारे में मैं बता रहा था कि जाने के टाइम में मैं आपको पास से बताऊंगा। देखिए ये पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, देखिए यहाँ से स्टेप से ऊपर जाने के लिए शायद ऊपर कुछ मूर्ति है, मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ। और इधर अभी बहुत बारिश हुई थी, तो उस टाइम में ये सब लकड़ियाँ झाड़ जो गिर गए थे, सब पेड़ वगैरह, तो सब काट कूट के यहाँ पर साइड में रखे हुए। तो देखिए ये टेम्पल है कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए, उस साइड से भी रास्ता है, और बीच में स्टेप से आप कहीं से भी जा सकते हैं, शायद बीच में और कुछ है।
वीडियो कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये क्योंकि मेरा पहला ही वीडियो है। और आपका एनी सजेशंस, कोई सजेशंस है आपका तो आप सजेशंस भी दे सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।